ले यही तोड़ ले। अबे आ नीलम सुना कर, मजाक मत सोच उसको, लव यू। मैंने सोचा नहीं था, एक बात बताऊं, मैंने सोचा नहीं था कि तुझ जैसी बेवकूफ से मैं कभी प्यार कर बैठूंगा। तुम तो कहते कभी हो ही नहीं सकता, तो अब क्या बताऊं। तुम मन तो को बोला लव यू का रिप्लाई तो कर। सो हेलो टू पीपल, सो वो यू ने वेलकम टू चैनल बेबी, तुम्हारा हो चुका है अनदर मोटो व्लॉग में। तो भाई आज का क्या मोटो व्लॉग होने वाला है, आज ना हम नीलम को प्रपोज करने वाले हैं। तुम लोग भी कमेंट कर रहे थे कि भाई नीलम दीदी को प्रपोज कर लो, और पहले हम बेस्ट फ्रेंड थे बट फीलिंग जाग गई है भाई उसके लिए। और जैसे मैंने पिछले सैड वीडियो में बताया था कि भाई ना मैं उसे प्यार करने लगा हूँ, और उसकी लॉयल्टी और उसका केयरिंग सपोर्ट देख के ना भाई उससे बेहतर लड़की तो मुझे पता नहीं मिलने वाली। तो उसको ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट तो पसंद नहीं है, हम छोटा सा एक फूल लेने वाले हैं। पहले मैंने प्रपोज करा था तो उसकी तरफ से हाँ थी, वो प्रैंक वीडियो था मेरी तरफ से, लेकिन आज हम रियल में करने वाले हैं और उसका रिएक्ट कर देखते हैं कि क्या वो रिएक्ट करती है। और चलो फिर एक फूल लेते हैं फटाफट से और सीधा चलते हैं नीलम के पास। आ चुके हैं अपनी बाइक के पास, और शायद आज ना बाइक को वॉश भी कराना पड़ेगा क्योंकि इतनी गंदी हो रखी है ना ये, मैं क्या ही बताऊँ। बेचारी को नहलाना पड़ेगा, मैंने बहुत गंदा रख दिया इसे। अगर मेरे घर पर ना ऐसे स्पेस रहता तो मैं खुद से वॉश करा देता, बट मेरे घर पर ऐसा स्पेस है नहीं तो मुझे बाहर से इसे वॉश करानी पड़ती है। कोई नहीं, वॉश करवा देंगे बाहर से। चलो जय श्री राम बोल के निकलते हैं। भाई साहब पटाखे छूट रहे आज तो, और कल होने वाली है होली, तो होली व्लॉग तो और तगड़ा आने वाला है। तो मैं ना कोई चांदी की रिंग या सोने की रिंग तो नहीं लेने वाला क्योंकि इतने पैसे मेरे पास है नहीं। कोई कॉल कर रहा है, उठा सकते नहीं अभी। मैं ना एक छोटा सा नॉर्मल सा फूल लेने वाला हूँ क्योंकि उसको ना बड़े बड़े एक्सपेंसिव गिफ्ट पसंद भी नहीं है, और वो मना करती है, बोलती है भाई पैसे संभाल के रखो तुम्हारे काम आएंगे, क्योंकि हमें लाइफ में बड़ा करना है, बट ये लोग मुझे बड़ा करने नहीं देंगे। होने के जाम में फंस चुके हैं, छोटा सा बाजार है लेकिन भाई देखो जाम, देखो तुम भाई किधर से जाना है। मैं तो एक फूल लेने आया था, इधर तो अपना फूल बन गया भाई। भाई 2 किलोमीटर दूर पैदल चल के आया तुम्हारा भाई, क्योंकि इतना ट्रैफिक है इधर और लोग सोच रहे हो भाई हेलमेट पहन के कहाँ नाच रहे हैं। तो फूल ले लिया एक छोटा सा, गुलदस्ता तो मिलता नहीं भाई यहाँ पर, छोटा सा फूल ही मिलता है। चलो उसको लेके चलते हैं फटाफट, बाइक पता नहीं कहाँ कोसों दूर है, मैं पता नहीं कोसों दूर आ रहे आ गया हूँ। इतना रश था, मैं फूल लेने के बिना मैंने बाइक दूसरी जगह पर खड़ी करी, उसके बाद फूल लेने गया हूँ कम से कम, मतलब यहाँ से वो पार मोड़ तक इतना चल के गया हूँ हेलमेट के साथ। तो मैंने सोचा भाई बाइक वॉश कराते कराते तो भाई मुझे रात हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रश था तो स्किप कर दिया है हमने इसको, ना खुद धो देंगे अभी हम जाने वाले हैं। थोड़ा ना क्रिकेट खेलना भी है मुझे, और यही मेरी खूबसूरती का कारण है मेरा, मतलब आजकल मैं काला हो रहा हूँ तुमने नोटिस करा होगा, बट ऐसा मतलब उस पर दिखता नहीं है, आईफोन में तो दिखता है नहीं, लेकिन ऐसे सामने से कोई देखेगा ना वो बोलेगा भाई इतना काला कैसे हो रहा है। तो भाई यही राज है, आजकल हम क्रिकेट खेलते दबा के, तो थोड़ा बहुत तुम्हें ना क्रिकेट का गेम भी दिखाने वाला हूँ, ज़्यादा वो प्रोफेशनल वाला तो खेलना नहीं आता बट थोड़ा बहुत खेल लेते हैं। तो फाइनली तारा घाट पहुँच चुके हैं प्रवीण के होटल में, बाइक लगा देते आगे को, सॉरी। तो क्या हाल है प्रवीण, नाइस टू मीट यू। ब्लॉग बना रहे? क्रिकेट ब्लॉग। आज इतने छक्के मारोगे, इतने छक्के मारोगे, तुम भी बोलोगे क्या छक्के मारे। इधर चलते हैं निशांत जी। क्रिकेट खेलने आना पड़ता है, तो आ चुका हूँ यहाँ पर और चलेंगे अब यहाँ से क्रिकेट खेलने। देखो अंकल आंटी के घर ऊपर है वहाँ पर, और अंकल आंटी ने स्वीट है ना भाई, मैं इनके घर पे ना 2 दिन अपने घर पे रहता हूँ, 2 दिन के घर पे रहता हूँ, बट ऐसा ट्रीट करते हैं मुझे जैसे ना अपना ही घर हो, तो अच्छी फीलिंग आती है। चलो तो ये वाली साइड ना वापस आ गया हूँ मैं तो क्रिकेट खेल के, पर एक सीन हो गया है, मैंने सोचा था तुमको दिखाऊंगा अपनी बैटिंग, वो सीन हो गया कि हमारी बॉल ही गुम हो गई, मैंने ना उसका मतलब रिकॉर्ड भी करानी। हम ऊपर गए थे और मौसम भी अभी ठीक ठीक है, बारिश तो नहीं हो रही बट ऐसी है धुंधा धुंधा, तो उनको बुला लेते हैं और उसके बाद करते हैं अब स्टार्ट।
नीलम मैडम पधार चुकी है। अनमोल आज हम इतना खेले ना पर हमारी बॉली घूम हो गई। कोई नहीं, काला हूँ पर दिल वाला हूँ। देख अनमोल और मैं काली इसलिए हो रखे है। तो तू तो घर पे रहती है, तो क्या तेरे को क्या होगा। निकल चुके हैं यहाँ से और एक अच्छी सी लोकेशन पे चलते हैं। ओए हाँ। देखियो कैसा, इधर को बादल है, इधर को साफ है, इधर से बादल उधर जा रहा है। अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाफ हाफ ऑफ कर दिया है, एक तरफ बादल एक तरफ वो। तो बाइक लगा देते हैं इधर ऊपर को और हम जाने वाले हैं यहाँ से थोड़ा नीचे को ना। अभी यार पत्थर ही पत्थर है। आ जा न्यूट्रल, आ जा। तो इसको लगा देते हैं यहाँ पर। लग जा भाई, लग जा लग जा। चलो बाइक लगा दी यहाँ पर और हम जाने वाले आज थोड़ा ना नीचे, एक अच्छी सी लोकेशन है उधर पर। जाए किधर से? पांच बजे रास्ता। तो तुम लोगों ने बोला इधर से भी चल जाएंगे, नीचे ले जाएंगे वहां से। ये देखो देखो इसको, सोना पड़ेगा। मैं तो भाई ऊपर से भी आ जाऊंगा, बिकॉज आई एम ग्रेट खली। यस चलो आ जाओ, नीचे चलते हैं, फिर मिलते हैं। हेलमेट के साथ तो मुश्किल है भाई नीचे पहुंचना। और क्या प्यारी लोकेशन है ना वहाँ पर, वहाँ हम बनाएंगे आज। क्या कर रही थी तुम? क्या कर रही थी? मेरी लेसिस खुल रखी थी, लेसिस बांध रही है मेरी। और क्रिकेट खेलते देख रहे हो, पानी में जा रखा था एक पैर, ये एक जूता और ये जूते में कितना अंतर है। वहाँ पर नहीं था जहाँ हम पानी पीने गए, थक गए थे तो, और गिरना हुआ था यहाँ से, नहीं तो टुकड़ टुकड़ करके जाएगी नीचे। तो फाइनली ऊपर से यहाँ पे पहुँच चुके हैं और भाई बैंड बज गई हमारी। क्या फूल क्या नचा रही है हाथ में इसने, देखो फूल की क्या हालत कर दी है। तो मेरे लाइए क्या थोड़ी है इनके लिए वो। तुम्हारी वो तोड़ तुमको। कौन सा? पिंक वाला। अबे गिरियो मत पिंक वाला, इसकी हरकतें देखो जरा। अबे पेड़ टूटने वाला है वो, नहीं टूट रहा ऐसी होता है। मत कर गिरेगी नीचे। अबे तू सुनती क्यों नहीं है? अबे मत कर चप्पलों के साथ, बस ठीक है यही तोड़ ले, यही तोड़ ले। अबे आ नीलम सुना कर, ये वाला। गिरती है नीचे इधर से, बजल दिया गिरियो मत यार। लो अबे नीचे आ, लियो नीचे आ। अभी तो लगी रहे हैंड दे। कैसे बंदरों जैसे, पता नहीं बंदरों के खानदान है क्या तुम्हारे? और तो तुम्हारे तो नहीं थे पर तुम्हारे जरूर थे, मेरे को विश्वास हो गया है तुम्हारी शक्ल देख के। दिखाओ ना, इतना मस्त है ना। एक बात बताऊं, मैंने तुम्हारे लिए फूल लाया था। आज फूल ही फूल क्यों हो गया? तुमने फूल ही फूल ही तोड़ रहे, पकड़े जरा। आजकल तो फूल ही फूल हो रहा है, फूल ही फूल हो रहा है ना। मैं तेरे को कुछ चीज देना चाहता हूँ। और नीलम ना सच बता रहा हूँ, देख अब तू मजाक मजूक मत समझो, मैं सीरियस हूँ तेरे लिए, ठीक है? मैं सुन तो ले दो ना पहले, क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ठीक है? मैं तेरे लिए सीरियस हूँ और वीडियो पे मैंने बोल तो दिया ही था, ठीक है? प्यार करता हूँ मैं तुझसे। अब चलो ना फिर से प्रैंक करने लगते हैं। अबे प्रैंक नहीं कर रहा, प्रैंक 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 कर ले तुमने, बहुत प्रैंक, बहुत हो गया। क्या हो गया बहुत? क्या देखो मैं ना कुछ बड़े बड़े वो तो लाया नहीं हूँ, ठीक है? और मुझे पता है तेरे को पसंद भी नहीं है, इसने लेके नहीं आता कुछ, बट इधर आ गोबर है इधर आ। सीरियसली ठीक है, मजाक मत सोचो उसको, लव यू। प्रैंक मत करो फिर से, ठीक है? पहले तेरी कसम, लव यू मेरी कसम। हाँ चलो ना, फातिम को चाहते मैं। अबे जब फिर वही, मैं मम्मी कसम लव यू। वही ना फ्रेंड वाला ना? नहीं फ्रेंड वाला नहीं है ये, रियल में रिलेशनशिप वाला है, जीएपीएफ वाला है। फ्रेंड तो हम तो सब कुछ है। क्यों तुम तो कुछ ऊपर उठो पहले, क्यों तुम तो पहले बोल दे कि हम तो फ्रेंड फ्रेंड है सब कुछ। तो उस टाइम तेरे लिए फीलिंग अलग थी ना, बट जब तू मतलब इन दिनों तूने बात नहीं करी तो मुझे पता है मैं कैसे गुजारी हो रहा था, तो मैं नहीं। कैसे गुजारी? तेरी याद आ रही थी बस, और क्या बताऊं। सही में? सही में मेरे को लग रहा। अबे तो तेरी कसम खा रहा हूं, कैसे बताऊं, बोल तो दो। हां सही में फ्रेंडशिप वाला नहीं, फ्रेंडशिप वाला नहीं, तू सब कुछ वाला, तू मेरी सब कुछ है। कैसे सब? तुम तो कहते कभी हो ही नहीं सकता, तो अब क्या? तो अब हो रहा है ना, तो वो ये बोल हाँ या ना मेरे को, वो मत कर जाता, ठीक है? ये धक धक भी हो जाता है कभी, बता। तितली देखो, दो तितली दिखाऊं तुझे पहले, दिल देख ले का धक धक हो रहा, जल्दी बता। तो धक धक ही होता जल्दी। हाँ जल्दी बता, क्या बताऊं? जो मैंने तेरे को बोला लव यू का रिप्लाई तो कर।
ठीक है, लव यू टू। अबे उधर आ जा। क्या लव यू टू? देखी देखी शर्मा कैसे रही है। शर्मा सही में ना ब्लास्ट में बोल रहा हूं, तेरी कसम प्रैंक, तेरी कसम प्रैंक नहीं कर रहा। क्यों? तुम तो बोल रहे थे कुछ भी नहीं होगा, पर अब हो गया ना। मैं क्या करूं, तू इतनी प्यारी है। देख ना, अगर बालू को खोला ना, नहीं कैमरा फोड़ नीचे फेंक दूंगी। क्या मैं फोड़? पर अगर मतलब अगर प्रैंक हुआ, अगर प्रैंक नहीं हुआ। मैंने सोचा नहीं था, एक बात बताऊं, मैंने सोचा नहीं था कि तू जैसी बेवकूफ से मैं कभी प्यार कर बैठूंगा। सही बात है, ठीक है। मैं ना इस मतलब ऐसे आया था कि मैं वीडियो बनाएंगे, और पर मेरे को क्या पता था वीडियो बनाते बनाते तेरे से प्यार ही हो जाएगा सारी बेवकूफ। ये ना जो अपनी जो अपनी अदा है ना, मुझे मत दिखाएगा। हाँ, इन अदा पे मैं फिदा हो जाता हूँ कभी कभी। कौन सी अदा? पहले बोला था, देखना हो तो जाएगा तो बता देना, बता दिया। बस कर, क्या कर रही है? फूल कहाँ गया? तेरे नीचे वो। सॉरी सॉरी, देखो इतनी वैल्यू मेरे फूल की, टांगों के नीचे डाल रही उन्हें। सही है, नहीं ठीक है। फूल को क्या चुम रही है? मुझे चुम। सीरियस बोल रहा हूँ मैं, GFBF तो दूर की बात है। तू ना सच बता रहा हूँ, मैंने तेरे को पहले बताया था तू मेरी सब कुछ है, ठीक है। और बट अब मेरे लिए तेरे लिए और ज़्यादा फीलिंग आ चुकी है, तो बहुत ज़्यादा प्यार तेरे को, ठीक है। मनी मन कितनी खुश हो जाए, कितनी खुश हो जाए। कुत्तू कहेगा, गोलू मुल्लू कहेगा, ये तो प्यार कैसे हो गया? मेरे को ये तो समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। हो जाता है, क्या करें अब, दिल है कि मानता नहीं। मैंने सोचा कि ऐसी नादान सी बेवकूफ़ लड़की कहाँ मिलेगी मुझे। देखो हरकतें देखो इसकी, इसको प्रपोज कराया मैंने, लेकिन लग नहीं रहा कि प्रपोज कराए। चल ठीक है, आज मेरी कुछ अच्छी सी बात बता जो तुझे पसंद आई, जो और लड़कों से मुझे हटके बनाती है, ये बता। लॉयल्टी? एंड टुक्के मत मार, बोल और बोल। बस मेरी लॉयल्टी पसंद आई तुझे? हाँ, तुम्हारी लॉयल्टी, और तुम कभी झूठ नहीं बोलते, और बहुत कुछ अच्छी बात। हाँ तो और बता ना पूरा कैमरे के। हाँ नहीं नहीं इधर खड़ी रह, बता। मेरी लॉयल्टी और मैं झूठ नहीं बोलता, मतलब ट्रस्ट। हाँ ट्रस्ट, और तुम्हारी केयरिंग, और मैं तेरे को केयर करता हूँ, और ये सब केयरिंग। देखना कहीं से अभी केयर करूँ। ये वाली केयरिंग पसंद है तुझे? मार ऐसा मत सोचो तू मेरी। रुक तो चाहे एक मिनट, सुन मेरी बात। ये मत सोचो कि तू मेरी अगर मेरी बंदी बन गई है, ठीक है, मैंने तेरे को प्रपोज करा है, तो तू मुझे मारेगी। मारूंगा तो मैं भी फिर भी। जब मारूंगी खींच के, वो तो मैं प्यारा हूँ इसलिए। पता नहीं इतना स्मार्ट लड़का तू, तेरे को तो खुश होना चाहिए। इतना हैंडसम बॉय तेरे लिए पट गया, तुझे तो जाके ना मन्नतें मांगते भाई। मेरे को पाने के लिए लोग मन्नतें मांगते हैं, पता तुझे? तुझे मैं फ्री में मिल रहा हूँ। तो मन्नत कौन से पैसों में मिलता है? मांग, चल जा। तो तूने मेरे लिए, इसका मतलब तूने मेरे लिए मन्नतें मांगी थी? नहीं मांगी। मांगी थी? चल ठीक है, सच बता, कभी तूने कहीं मंदिर में जाके मेरे लिए कुछ बोला है? कुछ नहीं। मेरी कसम, एक बार मम्मी कसम खा के बोल, एक बार किसका मतलब बोला है? क्या आई लव यू मेरी तरफ से भी। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस साथ रहना हमेशा, ठीक है। और वीडियो बनाएंगे, करियर करेंगे अपना सही, ठीक है। और लोगों को दिखा देंगे, जो लोग अभी हमको कहते हैं ना कि कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे ना इधर गांव के लोग या अरे परे के लोग हमको जैसे बोलते हैं कि भाई घूमते रहते हैं, पता नहीं क्या है, लड़के लड़का ऐसे, लड़की ऐसी है, वो ऐसा, तो उनको दिखाना है बस हमें, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। जब आगे कुछ खड़ा रहेगी ना ऐसा, समझ रहे हो गाइस, तो सब झुक के रहते हैं, समझ रहे हो, नोटों के आगे ना बड़े बड़े झुक जाते हैं। जो रिश्तेदार तेरे घर पे आके चिल्लाए ना कि भाई तुम्हारी लड़की कुछ नहीं कर सकती, वो कर रही है, सो कर रही है, उनको दिखाएंगे एक दिन, ठीक है, कि कौन है हम दोनों, समझी। बाकी मुझे ना पता है कि तू कितना प्यार करती है। मैं ना, मुझे पता, मैं ना पहले भी चाहता था तुझे प्रपोज कर लेता, लेकिन मैं चेक कर रहा था तेरे को, देख रहा था कि तेरी फीलिंग चेंज होती है कि नहीं होती है, बट तूने सेम फीलिंग ना मेरे ऊपर रखी है। जैसे मैं स्टार्टिंग में तेरे से मिला था ना, तू वैसी की वैसी है, एकदम नादान, एकदम मेरे लॉयल, और किसी से कुछ लेना देना नहीं, बस मैं एक कॉल करूँ और आ जाती है भाई, तभी तो मेरे को तू पसंद है, ठीक है। तू और लड़की जैसी नहीं है, ठीक है, इसलिए तू मेरे को पसंद है, मेरा बच्चा। लव यू।
फाइनली ऊपर आ चुका है नीचे से, और रील वीडियो भी बहुत मस्त मस्त बनाई है। नीचे लोकेशन बहुत प्यारी थी और इसको भी मैंने प्रपोज़ कर लिया है, बट ना हम ना नॉर्मल ही है। देखो मैंने इसको प्रपोज़ कराया लेकिन कोई वो नहीं है हमको, क्योंकि है ना कुछ ऐसा नहीं हो रहा ना अलग सा, क्योंकि हम ना हम मस्ती करने वाले हैं दोनों, हम ऐसे रहते हैं पहले से, चाहे हम GFBF क्यों ना हो, बॉयफ्रेंड हो, फ्रेंड भी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, हम मस्ती करते रहते हैं। पकड़ो, शायद धूप में मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ इस वजह से। भाई अभी भी बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से हेलमेट पहन लिया 5 किलो का, तो फिर मामला और ख़राब हो गया। तो फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं और ठीक है फिर बाय बाय। कुछ एक्साइटमेंट नहीं है क्या तुझे? अब तो लव यू बोलेगी। अच्छा मैं भी चलता हूँ। और यार आजकल ना सर में दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों, अब से धूप में खेलने नहीं आऊँगा। एक तो मैंने इतना काला हो गया ना, लोग मुझे सोचेंगे भाई वीडियो में तो ऐसा दिखता है और साला सामने इतना काला कलवा है। फटाफट से चलते हैं, पहले तो मैं यहाँ से पानी पीऊँगा नहर से, और यहाँ से पानी पुनी पीते थोड़ा मुँह हाथ धोते हैं। और ठीक है फिर इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ, मिलते हैं ना व्लॉग में टॉपिक साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड स्टे सेफ। करना होली व्लॉग है शायद, अगर मैं सही बात तो कल मस्त व्लॉग बनाएंगे। चलो फिर बाय बाय गाइस, बाय बाय।